जय माता दी। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे कार्य बताऊँगी, कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और ये जो बातें हैं ये आपको हर पूजा में याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वट सावित्री में ही ये बातें जो है वो आप जो भी व्रत रखती हैं उन सारे व्रतों में जो है वो इसका पालन करना चाहिए। पहला जो कार्य है वो ये है कि आपको दो मंगलसूत्र, तीन मंगलसूत्र, चार मंगलसूत्र, इस तरीके के मंगलसूत्र जो है वो पूजा में नहीं धारण करने चाहिए। आपको एक मंगलसूत्र जो है वो पूजा में धारण करना चाहिए। उसके अलावा आप कितनी भी ज्वेलरी जो है वो पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, लेकिन मंगलसूत्र जो है वो पूजा में एक पहनना चाहिए। मंगलसूत्र देखिए एक विशेष रूप से जो है वो बनाया गया है और उसका एक जो मान लीजिए औहदा है वो सबसे ऊपर होता है, इसलिए मंगलसूत्र एक ही पहने। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न आए कि हमारे पास बहुत सारे मंगलसूत्र हैं तो हमें कौन सा पहनना चाहिए, तो कोशिश करें कि आपकी शादी में जो आपको मंगलसूत्र मिला है वो आपको पहनना चाहिए। किसी कारणवश जैसे कई दफ़ा बहुत सारी बहनें होती हैं परदेश में होती हैं, बाहर होती हैं, ऐसे में वो शादी वाला मंगलसूत्र जो है उनका भारी भी होता है या कई दफ़ा बहुत सारे कारण होते हैं वो नहीं लेके जा सकती हैं। तो ऐसे में आपके पास जो भी मंगलसूत्र आपके पति ने बनवाया है या जो भी मंगलसूत्र आपके पास है वो आप मंगलसूत्र पहन सकती हैं, लेकिन पूजा के दौरान एक ही मंगलसूत्र पहने। दूसरे नंबर पे आता है कि जो भी चूड़ियां हैं, जैसे मान लीजिए कि कांच की चूड़ियां हो गई, लाक की चूड़ियां हो गई, मेटल की चूड़ियां हो गई या प्लास्टिक की चूड़ियां हो गई, बहुत सारे कड़े हो गए। अभी देख रहे हैं जैसे ज़माने के हिसाब से हर चीज़ें जो हैं वो बदलती चली आ रही, जैसे चूड़ा अभी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में चला जाता है। नई दुल्हनें जो है वो चूड़ा पहनती हैं, फिर कई दफ़ा फ़ोटो वाले कड़े जो हैं वो बनने लगते हैं, फिर मेटल की चूड़ियाँ जैसे अच्छी लगती हैं देखने में तो वो चल जाती हैं, फिर लाख के चूड़े आ जाते हैं या कई दफ़ा लोहे के चूड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके की चूड़ियाँ जो हैं वो व्रत के दौरान नहीं पहनना चाहिए। पहले की जो भी बड़े बुज़ुर्ग माताएँ बहनें हैं वो कभी नहीं पहनती हैं, वो अशुभ मानती हैं इन सारी चीज़ों को, खास करके प्लास्टिक की चीज़ों को बहुत ज़्यादा शुभ मानती हैं। लेकिन अभी ज़माना इतना बदल गया है, सबके पास चूड़ा या सबके पास फ़ोटो वाले कड़े या मेटल वाली चूड़ियाँ जो हैं वो सबके पास अभी रह जाती हैं, और फैशन के ऐसे दौर में जो है वो कोई इन चीज़ों को मना भी नहीं कर सकता कि नहीं हम नहीं पहनेंगे। तो मैं आपसे बस इतनी विनती करना चाहूँगी कि अगर आप प्लास्टिक का कड़ा पहन रहे हैं, चूड़ा पहन रहे हैं, लाख का पहन रहे हैं, लोहे का पहन रहे हैं, जिस भी तरीके का पहन रहे हैं वो आपको पहन रहे हैं तो ठीक है पहन लीजिए कोई नहीं, लेकिन आपको कांच की कम से कम दो दो चूड़ियाँ तो जो है वो अपने हाथों में डाल ही लेनी चाहिए। पूजा के दौरान कांच की चूड़ियों का विशेष महत्व जो है वो दिया गया है, इसलिए अगर आप चूड़ा या जो भी कड़े पहन रहे हैं, जो भी चीज़ें पहन रहे हैं, मान लीजिए जो मेटल की चूड़ियाँ या जो भी पहन रहे हैं, तो आपको उसके बीच में दो दो कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो कम से कम डाल ही लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो फैशन है वो भी ख़राब नहीं होगा और साथ ही साथ हमारी जो परम्परा चली आ रही है वो भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इस दिन आपको अपने पति के साथ या अपने घर वालों के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपने पति के लिए ही इस व्रत को रखा है और अपने अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखा है। तो आप घर वालों से कोई भी आप घर वालों से लड़ाई झगड़ा करेंगी या पति से करेंगी तो उनका भी मन खराब होगा, साथ ही साथ आपने भूखे प्यासे रह के और उनके लंबी आयु के लिए प्रार्थना करी है और इस दिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगी तो ये चीज़ें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं, इसलिए आपको इस दिन लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। चौथा जो कार्य है वो ये है कि इस दिन हो सके तो आपको लाल और पीली साड़ियाँ जो हैं वो पहननी चाहिए, और इस दिन जो है वो आपको डार्क कलर के जैसे काली या नीली या सफ़ेद जो साड़ी हैं वो नहीं पहननी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मिक्सअप है, लाल के साथ काला है या काले के साथ पीला है, या जो कलर है उसमें बीच बीच में कहीं काला है सफ़ेद है, तो क्या करें। तो देखिए कोशिश की जा सकती है, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर जो भी कपड़े हैं आपके पास वो आपको धारण कर लेने चाहिए। और इस दिन जो है वो साड़ी कपड़ों के साथ साथ सफ़ेद चूड़ी जो है वो आपको नहीं पहननी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। सुहाग के जब अखंड सुहाग के लिए हम व्रत रखते हैं, किसी अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे जो है वो ध्यान जो है वो हमें ज़रूर देना चाहिए। पाँचवा और आखिरी नंबर है कि
पीरियड्स के समय वट वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे त्रिदेव का वास होता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। और ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपको पीरियड्स आया है और आप वट वृक्ष के नीचे जा रही हैं, तो ये आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी वट वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप कथा सुनना चाहती हैं तो थोड़ा दूर बैठ के आप कथा जो है वो सुन सकती हैं। आपको ऐसी स्थिति में वट वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 कार्य जो हैं वो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। और आप वट सावित्री व्रत जो है वो बस आज ही है, तो आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।